हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ कश्यप आपके चैनल माय लाइक वीडियोस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो है जो 2017 1 अगस्त का कारपेंटर सेमेस्टर सेकंड का जो पेपर है, आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो को देख के आपको एक अंदाजन मिल जाएगा कि किस टाइप के सेकेंड सेमेस्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिससे आपके लिए काफ़ी मतलब हद तक ये एक ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे देख दिया है, ये 2017 का पेपर है, 1 अगस्त को हुआ था, सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से रहता है, ठीक है। 3 घंटे मिलते हैं अपन को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और 150 नंबर का ही पेपर होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे कैसे और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ आप इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आंसर टिक लगे हुए हैं इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये मैंने अपने दोस्त से मांगी है, ठीक है। तो उसने अपने हिसाब से टिक लगाई, ये आंसर गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आपको जो आंसर ठीक लगे आप उसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। ये क्या है, वेरी ये जो चीज यहाँ पर एक ये जो लिखा हुआ है, बट इट इज वेरी क्लोजली क्लोजली, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है कि मैंने ये अपने दोस्त से लिया था पेपर, उसकी फोटोकॉपी करवाई है मैंने, इसलिए थोड़ा पेपर में थोड़ी परेशानी आ रही है।
एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को ये रिमाइंड करा देता हूँ कि आप इसमें जो आंसर टिक लगे हैं आप उन आंसर पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। एक्चुअल में ये आंसर गलत भी हो सकते हैं, आपको जो सही लगे या आपके जो सर बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन का ये आंसर सही है, आप सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप मेरे को इसमें से कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। अब अभी जब अभी जो अपन ने पहले जो पेपर्स अपन ने यहाँ तक लिखे थे कारपेंटर के थे, ठीक है, और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपने ये पूरा पेपर हिंदी के अंदर, ठीक है। तो अब आप हिंदी में भी ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि हिंदी के अंदर ये कैसे क्या है, पर मेरी बताऊँ तो पर्सनली मेरे को हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक लगते हैं, ठीक है। एक मैं आपको नॉलेज के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो इंग्लिश में भी लिखा है और जैसे हिंदी में भी लिखा है, पर हिंदी के अंदर अगर उसके अंदर कुछ जो शब्द है कोई वो अगर गड़बड़ा रहा है, ठीक है, यानी पढ़ने में सही से नहीं आ रहा है या कुछ मतलब गलत छप गया है, ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में देखते हैं और इंग्लिश में वो कुछ और है, ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हिंदी में प्रश्न कुछ अलग लिखा हुआ है और उसका आंसर उस प्रश्न के हिसाब से ए है, पर इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो वो प्रश्न कुछ और है और उसके हिसाब से आंसर बी है, तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा आंसर टिक लगाएंगे? क्योंकि इंग्लिश वाले में आंसर उसका ए बता रहा है, ए है इंग्लिश के हिसाब से, और हिंदी के हिसाब से उसका अगर आंसर बी है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं दोस्तों बताऊँ तो आप इंग्लिश वाला आंसर ही टिक कीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉपी है जो अपने चेक होती है अपन डॉट करते हैं, ठीक है, तो जो इस ये जो कॉपी जो स्कैनर होता है उसके अंदर जो सारा डेटा जो फीड होता है वो अकॉर्डिंग इंग्लिश के होता है, तो अगर आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन को टिक करेंगे तो ही आपके वो सही मार्क्स जुड़ेंगे, वरना आप हिंदी के हिसाब से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, भले आपका आंसर सही होगा उसके बावजूद भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास कारपेंटर की एनसीबीटी की बुक है तो आप उस बुक के अंदर भी देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो सही है पर उनका उत्तर गलत है, तो हमें आप एनसीबीटी बुक के अंदर देख सकते हैं, कई तीन चार ऐसे जो बुक है एनसीबीटी की अपनी कारपेंटर की नियमित पैटर्न की, उसमें तीन चार क्वेश्चन ऐसे भी मैंने देख रखे हैं जो क्वेश्चन तो सही है पर उसके उत्तर ही गलत है। दोस्तों आप इस पेपर को देख के घबराइएगा बिल्कुल मत, ठीक है, घबराते वो हैं जो पढ़ते नहीं हैं, और मेरे को पता है कि जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, जो यहाँ तक पहुँच गया है इस वीडियो तक, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पढ़ाई की बात थी, जब उसने जाके यूट्यूब पे इतना लिखा कि कारपेंटर वर्ड पेपर्स या आपने जो भी लिख के सर्च मारा होगा, जब आप इस वीडियो तक पहुँचे इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी भी पढ़ाई करने के लिए कुछ है, तो ये तो बात फिक्स है कि जो ये वीडियो देख रहा है वो फेल तो नहीं हुआ, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचा है, इसका मतलब है कि वो पढ़ना तो चाहता ही चाहता है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा बस मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जो होता है आईटीआई का, बेसिकली आईटीआई का इस हिसाब से सेट किया जाता है, और वो भी कारपेंटर ट्रेड का, क्योंकि अपन जो कारपेंटर है वो 8th पास होते हैं, ठीक है, तो ये इस हिसाब से सेट करते हैं इस पेपर को, कि मतलब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि हर एक बच्चा जो कमज़ोर भी है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो
डरिएगा बिल्कुल मत, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एंड में बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और एंड में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस पेपर के अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे को वो क्वेश्चंस या क्वेश्चन मेरे को आप लिख के और कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन हाथों हाथ बता दूंगा। और अगर आप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अंत में मैं आपको यही कहता हूँ, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स टू वॉचिंग योर चैनल माई लाइक वीडियोज़।